हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पर फॉन्डली सो इन टूडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्राम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि शायद ही कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा जिसमें इसका क्वेश्चन ना आया हो लाइक इन एवरी सिंगल पेपर ये क्वेश्चन ज़रूर आता है इससे रिलेटेड ठीक है सो टॉपिक देखो क्या है कैलकुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी यूजिंग न्यूक्लियर शेल मॉडल ठीक है तो आपको जो है ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर शेल मॉडल और ये कैसे करते हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं जैसे देखो यहाँ पर है फ्रॉम द शेल मॉडल प्रोडिक्शन द ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी ऑफ सिलिकन एंड अलूमिनियम न्यूक्लियर रिस्पेक्टिवली तो यहाँ पर आपको जो है uh, न्यूक्लियाई गिवन होंगे एंड आपको उनकी ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी कैलकुलेट करनी होगी अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा एंड उसके बाद जो है इन सब क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर पाओगे सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैसे कैलकुलेट करते हैं सो so जैसे कि आपको कोई न्यूक्लियाई गिवन है फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एट सिक्सटीन जो है ये आपको गिवन है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी सो फर्स्ट स्टेप जो है इज़ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटोन्स तो जब भी आपको कोई गिवन है आपने फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं उनको नोट no डाउन कर लेना है एंड देन नंबर ऑफ प्रोटोन्स फाइंड आउट करके उनको लिख लेना ईजी तो यहाँ पर केस फर्स्ट है कि जब आप नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे तो वो दोनों ईवन आ जाए ठीक है so, तो यहाँ पर फर्स्ट केस का नेम क्या है ईवन ईवन न्यूक्लिया मीन्स नंबर ऑफ प्रोटोन्स एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ईवन सो जब न्यूक्लिया ईवन इन नंबर हैं तो वहाँ पर क्या होगा जो स्पिन है बिकॉज अप एंड डाउन आते हुए ईवन नंबर में न्यूक्लियर स्पिन जो है वो कैंसल होती रहेगी ठीक है अल्टीमेटली क्या होगा जो इवन न्यूक्लिया है दे वॉन्ट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स न्यूक्लियर स्पिन तो ईवन इवन न्यूक्लिया में न्यूक्लियर स्पिन क्या हो जाएगी ज़ीरो के इक्वल सो न्यूक्लियर स्पिन जीरो मीन्स जो एंगलर मोमेंटम है जे दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो सो इवन इवन न्यूक्लिया के लिए जो एंगलर मोमेंटम है दैट विल बी ज़ीरो न्यूक्लियर स्पिन विल बी ज़ीरो एंड अगर हम पैरिटी की बात करें बिकॉज वी रिप्रेजेंट इन अ वे ज़ीरो पॉजिटिव मतलब जे और सुपरस्क्रिप्ट में पाए ठीक है तो पाए जो है दैट इज़ पैरटी जे रिप्रजेंट्स एंगलर मोमेंटम तो यहाँ पर मोमेंटम तो हो गया ज़ीरो एंड पैरिटी इज़ पॉजिटिव इन दिस केस सो जब भी आप जो है इवन इवन न्यूक्लिया जब आप कैलकुलेट करोगे इवन इवन न्यूक्लिया वो फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर आपने पैरिटी को लेना है पॉजिटिव न्यूक्लियर स्पिन विल बी जीरो मोमेंटम विल बी जीरो तो एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से और इसको बेटर अंडरस्टैंड करते हैं सो लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लिया आए ऑक्सीजन न्यूक्लियाई में अगर आप देखोगे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं दे आर एट एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं एट सो इट मीन्स ये क्या बन गया इवन इवन न्यूक्लिया सो इन दिस केस मोमेंटम विल बी इक्वल टू जीरो एंड पैरिटी विल बी पॉजिटिव सो नेक्स्ट है केस सेकेंड विच इज़ इवन ऑड ऑर्ड ईवन न्यूक्लिया विच मीन्स जो नंबर ऑफ प्रोटोन्स हैं वो इवन होंगे देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी ऑड या फिर वाइस वर्सा नंबर ऑफ़ प्रोटोन्स जो हैं वो ऑड होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन होंगे ठीक है इस तरीके से इवन ऑड ऑड इवन न्यूक्लिया सो so, इस केस में जो स्पिन है दैट विल बी डिटर्म बाय जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन होगा देखो जो इवन वाला होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ प्रोटोन्स जो है वो इवन है तो इवन में अभी हमने स्टडी किया कि जो न्यूक्लियर स्पिन है वो कैंसिल हो जाती है अल्टीमेटली इट बिकम्स इक्वल टू जीरो सो इवन वाला केस में तो न्यूक्लियर स्पिन जीरो होगी इट वॉन्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द न्यूक्लियर स्पिन अब रह गया हमारे पास ऑड वाला न्यूक्लियॉन सो so, ऑड में जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन रह जाएगा दैट विल डिटर्मिन द न्यूक्लियर स्पिन फॉर एग्जाम्पल एलुमीनियम सो so, अल्मीनियम के केस में अगर हम देखें नंबर ऑफ प्रोटोन्स हैं थर्टीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टीन फोटीन तो ये बन गया हमारा ऑड इवन न्यूक्लियाई सो यहाँ पर देखो जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है फोर्टीन ईवन नंबर तो ये तो न्यूक्स न्यूक्लियर स्पिन की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करने वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो न्यूक्लियर स्पिन ज़ीरो हो जाएगी बट प्रोटोन के केस में देखो क्या है नंबर ऑफ जो न्यूक्लियॉन्स हैं दे आर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं थर्टीन तो यहाँ पर जो है अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन जो लास्ट में रह जाएगा जब इसकी कॉन्फिग्रेशन हम लिखेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन जो रह जाएगा उसके बेसिस पर वी विल फाइंड आउट कि क्या है ग्राउंड स्टेट के न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी सो मैंने जो है न्यूक्लियर शेल मॉडल के रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो जो है चैनल पर अपलोड की हुई है इसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि कैसे जो है हम इस कॉन्फिग्रेशन को लिखते हैं कैसे जो है न्यूक्लियॉन्स की फ़िलिंग होती है ठीक है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी इससे पहले आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना कि कॉन्फिग्रेशन ये कैसे आती है राइट तो अभी जो है हम थर्टीन प्रोटोन की फिलिंग करते हैं पहले देखो वन एस वन बाय टू में टू प्रोटोन्स वन पी थ्री बाय टू में फोर प्रोटोन्स वन पी वन बाय टू में टू प्रोटोन्स वन डी फाइव बाई टू में फाइव प्रोटोन्स तो यहाँ पर देखें अगर हम लास्ट जो है लास्ट प्रोटोन क्या हुआ अनपेयर्ड रह गया बिकॉज यहाँ पर सिक्स पॉसिबल है लेकिन फाइव फिल हुए लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन है दैट विल हेल्प अस डिटर्मिन द न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी सो जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन है उसको आप सेपरेटली लिख लो क्या था वो वन डी फाइव प्रोटोन्स एंड सब्सक्रिप्ट में क्या था फाइव बाय टू अब यहाँ पर ये जो है हमें पता चलेगा इसको देख के कि न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी क्या है तो जे जो है वो क्या होगा जो यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में है फाइव बाय टू ठीक है तो जो भी यहाँ पर टर्म सब्सक्रिप्ट में होगी दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी द वैल्यू ऑफ जे सो यहाँ पर देखो जे क्या आ गया फाइव बाय टू के इक्वल अब नेक्स्ट स्टेप है देखना कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल कितना है सो so डी है यहाँ पर एस के कॉरस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू जीरो है पी के कॉरस्पॉन्डिंग वन है तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू कितनी आ गई टू तो यहाँ पर देखो जो पैरिटी है उसका फार्मूला क्या होता है पाए इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एल सो एल अभी हमने देखा कितना है टू सो माइनस वन के पावर स्क्वायर जब हो जाएगा देन इट विल बी ईवन ठीक है तो यहाँ पर जो है जो एंग्लो मोमेंटम है दैट विल बी फाइव बाई टू एंड पैरिटी इज इवन और वी कैन से पॉजिटिव तो देखा आपने कितना ईजी था जस्ट आपको जो है ऑड जो न्यूक्लियॉन है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्फिग्रेशन लिखनी है और लास्ट अनपेयर न्यूक्लियन की हेल्प से आपने न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी को फाइंड आउट कर लेना है ठीक है तो अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे केस थर्ड सो नेक्स्ट है केस थर्ड विच इज़ ऑड ऑन न्यूक्लियाई सबको पता चल गया होगा ऑड और, और न्यूक्लिया आई मीन्स क्या होगा यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटोन्स भी ऑड होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऑड होंगे अब इसको सॉल्व करने का एक अलग मेथड है इजी है बहुत ठीक है आपको बहुत चीज़ समझ आ जाएगा सो दैट इज़ नोडियम रूल ठीक है तो नोडियम रूल की हेल्प से हम ऑड ऑड न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर स्पिन एंड पैरिटी को डिटर्मन करेंगे इसका कुछ फार्मूला है जिसको अभी हम स्टडी करेंगे सो so, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा बिकॉज यहाँ पर केस देखो क्या है और न्यूक्लियाई मतलब दोनों न्यूक्लियॉन्स के एंड में प्रोटोन के केस में भी न्यूट्रॉन के केस में भी हमारे पास आएगा एक लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन दोनों केसेस में आएगा ना एक प्रोटोन अनपेयर्ड होगा एक न्यूक्लियॉन एक न्यूट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो हमने क्या करना है उन दोनों अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन्स का जे वन जे टू एल वन एंड एल टू फाइंड आउट करना है ठीक है ना तो so, J1 वन प्लस जे टू प्लस एल वन प्लस एल टू को हमने डिटर्मिन करना है कि ये क्या आ रहा है क्या ये ईवन है या फिर ये ऑड है उसके बेसिस पर जो है नेक्स्ट स्टेप डिटर्मिन होगा सो so, जैसे ही आपने चेक किया कि ईवन आया है या फिर ऑड उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है अगर तो ये नंबर जो है ईवन आ जाए सो so, उस केस में जो एंगलर मोमेंटम जे होगा दैट विल बी इक्वल टू जे वन माइनस जे टू और जब ये जो है नंबर ऑड आ जाएगा इन इन दैट केस जो एंगलर मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू जे वन प्लस जे टू ई के केस के में माइनस होगा ऑड के केस में प्लस होगा और इस तरीके से जो है हमें ग्राउंड स्टेट का एंगलर मोमेंटम मिल जाएगा अब एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है टू तो कैलकुलेट पैरिटी पैरिटी अब कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पर सो so, पैरिटी के लिए बहुत आसान है पैरिटी में पता वैसे क्या होती है इट इज़ इक्वल टू माइनस वन रेस्ड पावर एल अब यहाँ पर बिकॉज दो अनपेयर न्यूक्लियॉन्स हैं तो जो एल है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा एल वन प्लस एल टू सो ईजी ठीक है बस आपको ये नंबर जो है जे वन प्लस जे टू प्लस एल वन प्लस एल टू इसको फाइंड आउट करना है और ये चेक करना है कि ईवन है कि ऑर्ड है अगर ईवन आ जाएगा तो दोनों के जो एंगुलर मोमेंटा है वो क्या होंगे सब हो जाएंगे ऑड के इसमें ऐड हो जाएंगे पैरिटी के लिए जो एल है उसकी जगह पर क्या आएगा एल वन प्लस एल टू तो अभी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर मैंने केस पिक किया है नाइट्रोजन का नाइट्रोजन में देखो आप जो नंबर ऑफ प्रोटोन्स हैं वो हैं सेवन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी फोटीन माइनस सेवन सेवन है मतलब दोनों क्या हैं ऑड तो यहाँ पर क्या बन गया ये ऑड ऑड न्यूक्लिया है अब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसका स्पिन एंड पैरिटी सो so, यहाँ पर देखो जो कॉन्फिग्रेशन है वो प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन दोनों के लिए सेम है वन एस वन बाय टू टू वन पी थ्री बाई टू फोर वन पी वन बाय टू वन सो दोनों के केस में जो लास्ट अनपेयर्ड न्यूक्लियन है वो वन पी वन बाय टू में ही है अब हमने जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जे वन जे टू एल वन एल टू को फाइंड आउट करना है सो so, यहाँ पर अगर हम देखें जे वन और जे टू वो इक्वल है वन बाय टू के एल वन एंड एल टू भी इक्वल है वन के बिकॉज एस के कॉरस्पॉन्डिंग जैसे कि ज़ीरो होता है पी के कॉरस्पॉन्डिंग एल वन होता है अब इस सबको हम क्या करेंगे ऐड करके देखते हैं कि जो फाइनल नंबर बन रहा है वो इवन है या फिर ऑड है तो जब मैंने इसको ऐड किया ये ऐड करके बन गया थ्री थ्री क्या है ऑड और ऑड के केस में हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ऑड के केस में एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाते हैं तो यहाँ पर जे विल भी इक्वल टू जे वन प्लस जे टू मीन्स हाफ प्लस हाफ तो जे आ गया यहाँ पर वन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा पैरिटी डिटर्मिन करना सो so, पैरिटी के लिए फार्मूला क्या होगा माइनस वन रेस्ड पार एल वन प्लस एल टू सो एल वन भी है वन एल टू भी है वन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस वन स्क्वेर मीन्स इवन पैरिटी या फिर कैन से पॉजिटिव पैरिटी तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जे रेस्ट पार पाई मीन्स वन पॉजिटिव इट मीन्स जो नाइट्रोजन का केस है उसके लिए ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पैरिटी क्या होगी वन और पैरिटी विल बी पॉजिटिव तो आई होप आपको तीनों केसेस अच्छे से समझ आ गए हैं एंड अभी किसी भी जो टाइप का न्यूक्लिया आए तो यू कैन फाइंड आउट इट्स स्पिन एंड पैरिटी वेरी ईजीली सो हेयर एम और पोडिंग सम एग्जाम्पल्स फॉर यू ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड आपके आंसर्स जो है मुझे कॉमेंट करके बताने हैं ठीक है तो सब आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं दो मैंने पहले शेयर कर दिए तीनों प्रैक्टिस क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए एंड कॉमेंट यूर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको वीडियो कैसी लगी है राइट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इफ़ यू वॉचिंग माई चाहू फॉर द फर्स्ट टाइम देन इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग